अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल फूड फॉर फैमिली पर वेलकम। आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मटन निहारी। निहारी एक बहुत ही मज़ेदार सी पाकिस्तान की ट्रेडिशनल डिश है, जो कि बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। तो चलिए आज हम इसको आसान तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, जो इजीली आप बना सकते हैं। ये मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज एक वो फ्राई कर लिया हुआ है, और ये एक किलो बकरे का गोश्त मैंने लिया है। ये गोश्त जो है लेग का है, और मैंने पूरी लेग ही ले ली थी, तकरीबन 2.5 किलो था, तो मैंने 1 किलो जो है निहारी के लिए सेपरेट कर लिया। ये देखिए साफ़ सुथरी रेशे वाली जो बोटियां हैं वो मैंने दरमियाने साइज़ में कट करवा ली थी, और साथ ही इसमें एक दो हड्डी भी शामिल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आप निहारी के लिए गोश्त लेंगे, और आप चाहें तो गाय का गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन आज हम जो बनाएंगे वो मैंने बकरे का गोश्त लिया है। और साथ ही ये चीज़ें जो इसमें जाएंगी वो है, हरी मिर्च है 5-6, और एक लेमन, अदरक और थोड़ा सा धनिया है, वो कट करके हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने रफली कट कर लिया, और साथ ही जो स्पाइसेस जाएंगे इसमें, ये मैं बता दूं आपको, ये निहारी स्पेशल मसाला है, जो शान मसाला जो आता है निहारी का, 2 चम्मच मैंने लिए, 2 खाने के चम्मच निहारी मसाला। लाल मिर्च जो है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये मैंने मसाला जो है मिक्स मसाला भी लिया है, निहारी का जो स्पेशल मसाला होता है, जिसके बगैर निहारी निहारी नहीं लगती। और कुछ हमने घर के मसाले इसमें ऐड किए हैं, और ये लहसुन अदरक 2 चम्मच इसमें जाएगा, तो इसको हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं। लहसुन अदरक मैंने एक साथ ही इसको कर लिया, 2 खाने के चमचे वो इसमें जाएगा। ये हम बाद में यूज़ करेंगे जब मसाला भूनेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक तरफ हम गोश्त को फ्राई कर लेते हैं, और एक तरफ हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगे तो फिर आप इसको अलग-अलग कर लें। ये प्याज फ्राई करेंगे हम एक पैन में, और साथ ही हम इसमें ऑयल डालेंगे 1/2 कप। 1/2 कप हम इसमें डालेंगे और 1/2 कप हम पैन में डालेंगे। 1 कप जो है वो ऑयल यूज़ होगा इसमें, तो 1/2 कप में हम इसको गोश्त को भूनेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। प्याज को ब्राउन करेंगे, और साथ ये हम चूल्हा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। और ये हमने मैदा लिया है 3 खाने के चम्मच, इसको फ्राई कर लेंगे और बाद में यूज़ करेंगे। और दही है 4 खाने के चम्मच, साथ हम गोश्त को भून लेंगे। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, और अच्छे से ये तकरीबन 10 से 15 मिनट गोश्त को भूनेंगे, और साथ ही हम ये मसाला तैयार कर लेते हैं। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे, और फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच। देखिए अब इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक, जो मैंने एक साथ ही उसको पीस लिया था, वो इसमें ऐड करके इसको फ्राई करेंगे।
और साथ ही हमारा जो गोश्त है वो भी भुन रहा है ऑयल में। आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें नमक उसमें डाल सकते हैं भूनते हुए गोश्त में। और ये हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है, थोड़ा सा नमक उसमें डाल दिया और मिक्स कर लें। और ये चाहें तो आप प्याज पहले भी थोड़ा सा इसमें कलर के लिए ऐड कर सकते हैं, और दो हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, और थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे ताकि मसाला जो है जले ना। और ये हम सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे इसमें और इसको भून लेंगे। साथ ही हमारा गोश्त भी तकरीबन भुन गया है अच्छे से, कलर उसका माशाल्लाह से लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया। और साथ ही इधर हम मसाले में दही ऐड कर देंगे, 5-6 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें दही ऐड कर देंगे और मज़ीद इसको भूनेंगे। जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए तब तक इसको भून लेंगे इसी तरह। ये देखिए अच्छा सा मसाला कलर आने लग गया। फ्राई प्याज थोड़ा सा 1/2 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं, अभी भी जैसे मैंने डाला है कलर के लिए, थोड़ा कलर अच्छा सा आ जाता है। और ये देखिए ये मसाला हम गोश्त में ऐड कर देंगे, भुने हुए गोश्त में, और फिर इसको मिक्स करके इसमें 8 कप हम पानी ऐड करेंगे। और आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, मैं इसको वैसे ही बना रही हूँ। तो कुकर में जो है आप पानी कम डालिएगा, 4 कप पानी डालें और 10 से 12 मिनट उसको प्रेशर दें। और ये हम टाइम लगा देते हैं, मैं तो इसको 40 मिनट तक इसको पकाऊंगी। 40 मिनट में ये हमारा गोश्त जो है गल जाता है। डिपेंड करता है कि आपके पास जो है गोश्त है वो कितनी देर लेता है गलने में। तो साथ ही हम दूसरी तरफ इसको मैदा जो है वो फ्राई कर लेते हैं हल्की आंच पर। मैदे को रोस्ट करेंगे हम, ये 3 खाने के चम्मच मैदा लिया हमने, और इसको 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो फिर ये रेडी हो जाता है, और इसको हम रख लेते हैं सेपरेट। और साथ ही हम अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कट कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए लेमन, अदरक, जूलियन कट में हम इसको कट कर लेंगे अदरक को छील कर, हरी मिर्च और अदरक इस तरह कट कर लेंगे कुछ छोटे पीसेस में और कुछ लंबाई में कट करके हम इसको साइड पे रख लेंगे, ये हम बाद में यूज़ करेंगे इसको। धनिया ये भी हम कट करके रख लेते हैं गार्निशिंग के लिए, बाद में हम इसको फौरन से ऐड कर लेंगे। ये हो गया। और साथ ही तली हुई प्याज भी हम बाद में यूज़ करेंगे। और मैदा हो गया, मैदे को हम 1 कप पानी में, नॉर्मल पानी लें आप नीम गरम, और उसमें मिक्स करके, अब गोश्त हमारा गल गया, 40 मिनट बाद आप चेक कर लें कि अच्छे से गल गया, ये देखें। अब हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे पानी में मिक्स करके। मैदा जो होता है बेसिकली इसको गाढ़ा करने के लिए होता है। और सबसे पहले हम इसका ऑयल ऊपर से उतार लेंगे, क्योंकि मैदा डालने के बाद ये ऑयल मिक्स हो जाएगा तो ऊपर ये तरी नहीं आएगी। तो पहले हम ये ऑयल ऊपर से उतार लेते हैं और फिर हम इसमें मैदा जो है वो ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं और बेसन भी ले सकते हैं, मैंने जो है वो मैदा यूज़ किया इसमें फ्राई करके।
तो आपको जितना गाढ़ा पसंद हो उतना थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसको हिलाते जाएं चम्मच को। अगर आपको लगे कि अभी भी पतला है तो फिर ये सारा ही ऐड कर दें, वरना आपकी चॉइस है। आपको लगे कि ये शोरबा हमारा गाढ़ा हो गया तो फिर आप थोड़ा ही डालिएगा। ये देखिए अब इसको मिक्स कर दें और तकरीबन 10 मिनट तक इसको हम दम पे रख देंगे, उसके बाद डिश आउट कर लेंगे। 10 मिनट रखने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है और तकरीबन अच्छे से पक जाता है। और लीजिए हमारी मटन निहारी तैयार है और बहुत ही मज़ेदार यम्मी लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है। वाओ, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनी है, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंजॉय करें और मज़े करें। ये लेमन इसके ऊपर चला गया और साथ ही गर्मा गर्म नान के साथ, रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा गला हुआ गोश्त है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।